So hello everyone, so in this particular video we'll discuss about population dispersion and population regulation. ठीक है, अब देखो dispersion की जब हम बात करते हैं तो basically there are three patterns of dispersion. ठीक है, तो मतलब dispersion का मतलब कि जो populations रह रही हैं वो आपकी एक तरह से कैसे रह रही हैं. एक होता है clumped. ठीक है, clumped में क्या होता है, organisms are clustered together in groups. दिस में रिफ्लेक्ट ए पैची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एनवायरमेंट. ऑब्वियसली वही है ना कि जहाँ पर उनको मतलब जो रिसोर्सेज चाहिए वो वहीं पर रहेंगे. ठीक है, सो इंडिविजुअल्स इसमें आपके दे आर एग्रीगेटेड इन टू ग्रुप. ठीक है, तो जैसे ऑब्वियसली जहाँ पर उनके रिसोर्सेज हैं एनवायरमेंट के अंदर वहीं पर वो रह रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट उसने जैसे एग्जाम्पल दिया आपका रैंडम का. रैंडम क्या है, ऑर्गेनिजम्स have a unpredictable distribution. This is a distribution. This is typical of species in which individuals do not interact strongly. ठीक है, well, obviously जो clumped है उसके अंदर तो एक साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वो interaction है उनके बीच में, आपस में क्या है, there is interaction, तभी तो एक साथ रह रहे हैं ना. अब random इधर उधर रह रहे हैं इसका मतलब क्या, उनके अंदर there is no इंट्रैक्शन. ठीक है, इसके अंदर आप कह सकते हो कि इंट्रैक्शन है और इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट जब आप रैंडम की बात कर रहे हो तो देर इज बेसिकली इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एंड ये वाला जो होता है रैंडम वाला आपको रेयरेस्ट देखने को मिलता है, ये सबसे कम देखने को मिलता है रेयरेस्ट. ठीक है, रेगुलर या यूनिफॉर्म में क्या होता है, इवनली स्पेस्ड, जैसे आप एक यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है. So this is a typically of species in which individual compete for the scarce environmental resource such as water in a desert. ठीक है, तो इसमें उसने example बताया कि वो एक evenly space रहते हैं ताकि, क्योंकि ये वो वाला केस है जहां पर आपका, आप क्या कह सकते हो कि there is scarcity of resources. ठीक है, तो अपना अपना uniformly वो क्या रहते हैं आपका distribute रहते हैं. ठीक है, जैसे इसमें एक formula होता है dispersion के लिए, that is equal to variance by mean. Variance by mean. और डेल्टा आपका क्या है, डिस्पर्जन है. तो अगर तो डेल्टा वन होता है तो वो होती है रैंडम, रैंडम डिस्पर्जन. अगर डेल्टा वन से ज्यादा है तो वो होता है आपका क्लम्प, और डेल्टा अगर वन से कम है तो वो होता आपका यूनिफॉर्म. सो दैट इज बेसिकली दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिस्पर्जन. ठीक है, तो एक क्लम्ब्ड होता है, एक रैंडम, और एक हमने किसकी बात करी, यूनिफॉर्म की. ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे बता रखा है कि क्लम्पिंग ये सबसे कॉमन होता है. तो मोस्ट कॉमन सेफ्टी इन नंबर्स, सोशल इंट्रैक्शन होती है, मीटिंग होती है, केयरिंग फॉर यंग रिसोर्सिस आर क्लम्प्ड. ठीक है, यूनिफॉर्म नॉट एज कॉमन, यूज बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सिस. जैसे यहाँ कुछ प्लांट दिखा रखे हैं तो मतलब यूनिफॉर्म है कि अब ऑब्वियसली है ना उनको पानी लेना है. मान लो कुछ डेजर्ट में कुछ प्लांट्स हैं तो ये थोड़ा यहाँ पे कि इसको पानी मिलता रहे, ये थोड़ा उधर हो गया, तो ऐसे कि क्योंकि सारे एक साथ रहेंगे तो फिर सब कंपीट करेंगे. ठीक है, और रैंडम क्वाइट रेयर, कैन बी हार्ड टू डिटरमाइन बिटवीन ट्रूली रैंडम और लार्ज क्लम्पी. ठीक है, तो रैंडम जो होता है वो एक कहीं पे आया दूसरा कहीं पे आया तो सबसे आपको रेयर देखने को मिलता है, मतलब उसमें कोई सोशल इंट्रैक्शन ही नहीं है, उनके बीच में आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन रेगुलेशन. तो इसमें आप लिख सकते हैं the density of a population can be regulated by various factors
इंक्लूडिंग बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक फैक्टर्स एंड पॉपुलेशन साइज, बायोटिक एबायोटिक एंड पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप की रेगुलेशन होती है, एक हम लिखते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट, दूसरा हम लिखते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, और तीसरा हम लिखते हैं इसमें आपका इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट, इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। देखते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है आपका। अब इसमें हम ऑब्वियसली जैसे ग्राफ की टर्म्स में इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है, मोर्टैलिटी विच इज योर डेथ रेट, ठीक है, वर्सेस पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा है, अब अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं ना, कुछ होते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेंसिटी डिपेंडेंट में क्या, जैसे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो आप देख रहे हो कि मोर्टेलिटी की परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करें, जैसे मान लो आप अलग अलग पॉइंट्स पे बात करो, कि एक लाइन हमने जैसे ये ड्रॉ करी, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है, तो आप देखो पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली कम है, मतलब अगर हम इस पॉइंट पे इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है तो इतना मोर्टेलिटी है। लेकिन यही अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो मोर्टेलिटी की परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है, मतलब डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि रिसोर्सेज हैं या कुछ मे बी। अब मतलब डेथ किस रीज़न से हो सकती है, अगर हम डेथ की रीज़न की बात करें, या तो रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है, ठीक है, और यू कैन से कि मान लो कोई डिजीज होगी, कोई डिजीज की वजह से मोर्टेलिटी रेट हाई है, ठीक है। कुछ आपके इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकते हैं, मतलब अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं जो कि क्या होते हैं आपके डेंसिटी डिपेंडेंट, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो डेंसिटी डिपेंडेंट में क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो मोर्टेलिटी रेट भी आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं आपके डेंसिटी इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसमें मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी तो मान लो आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट मोर्टैलिटी जो रेट है वो आपका नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। अब अगर अलग अलग पॉइंट्स पे यहाँ पर देखो, देखो ये ना ग्राफ को आपको रीड करना आना चाहिए। आप इस पॉइंट पे देखो, ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर और ज़्यादा है, बट मोर्टिलिटी परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे बोलते हैं हम डेंसिटी इनडिपेंडेंट, ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ रही है, चेंज हो रही है, बट मोर्टिलिटी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट, इनवर्स के अंदर अगर आप देखो, तो जब अगर यहाँ पर हम दो पॉइंट लें, ठीक है, एक हमने चलो ये पॉइंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और एक मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो बढ़ रही है, बट इस केस में मोर्टेलिटी रेट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनवर्स का मतलब उल्टा है, इनवर्स का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन साइज बढ़ने से मोर्टेलिटी की परसेंटेज जो है वो आपकी कम हो रही है, ठीक है। तो चलो इनके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, बट चलो मेन आपको क्या ध्यान रखना है, डेंसिटी डिपेंडेंट में तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो आपका डेथ रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट में पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है बट जो मोर्टेलिटी है परसेंटेज है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इनवर्स में तो पॉपुलेशन साइज बढ़ने से मोर्टेलिटी रेट क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये देखो यहाँ पर उसने हमें ये दो तीन ग्राफ दिए हैं, देखो सबसे पहले
एक तरफ हमने क्या लिखा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, और एक तरफ आपका मतलब यहाँ पर चाहे आप बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लिख लो, मतलब लो टू हाई की तरफ जा रहे हैं। अभी आपने क्या देखा कि अगर तो बर्थ रेट डेंसिटी डिपेंडेंट है, तो पॉपुलेशन अगर साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में बर्थ रेट क्या हो रहा है आपका, कम होगा, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पे ना जो वाई एक्सिस है वहां पे आप बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लिख सकते हो, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, या तो बर्थ रेट लिख लो चाहे डेथ रेट लिख लो, दोनों ही लिख सकते हो, बर्थ रेट और आपका डेथ रेट, ठीक है। अब देखो इन ग्राफ को हमने समझना है। अब यहां पर अफेक्टिंग बर्थ रेट, ठीक है, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, तो इसमें वो कह रहा है बर्थ रेट अफेक्ट हो रहा है, बर्थ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डेंसिटी डिपेंडेंट है। यहाँ पे बर्थ रेट कैसा है आपका, डेंसिटी डिपेंडेंट, कि ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने से बर्थ रेट आपका कम हो रहा है, ठीक है, और डेथ रेट उसने दिखाया डेंसिटी इंडिपेंडेंट, तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दूसरे में उसने कहा कि डेथ रेट अफेक्ट हो रही है, डेथ रेट में क्या होगा कि भैया की बर्थ रेट इंडिपेंडेंट है, तो वो तो नहीं चेंज हो रहा क्योंकि वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो डेथ रेट है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, जो अभी हमने पिछला ग्राफ बनाया कि मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने से, तो आप ये कह सकते हो कि मोर्टेलिटी आपकी इंक्रीज होती है और जो बर्थ रेट है वो कम होता है, ठीक है। एक ग्राफ उसने दिखा रखा है जिसमें दोनों अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया इसने कि बर्थ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है, ठीक है, और ये एक तरह से जहां पर ये डाइसेक्ट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप तीनों केस में देख सकते हो कि इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी डिफरेंट है, ठीक है। डेंसिटी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दो ही टर्म्स हैं, मेनली डिपेंडेंट में क्या है कि डेंसिटी बढ़ रही है तो डेथ रेट बढ़ रहा है लेकिन बर्थ रेट कम हो रहा है, ठीक है। और इनवर्स वाले में क्या है, इनवर्स वाले केस में आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने से जो आपका बर्थ जो मोरेटिलिटी या मतलब जो मोर्टेलिटी रेट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपसे कई बार वो पूछ सकते हैं, तो तीन टाइप की रेगुलेशन की हमने बात करी, कौन कौन सी, डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट एंड इनवर्सली डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, ठीक है। डिपेंडेंट में ये होगा चेंज होगा, इंडिपेंडेंट में देर विल बी नो चेंज विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रेगुलेशन, ठीक है। एक हमने डिस्पर्जन की बात करी और एक हमने इसकी बात करी पॉपुलेशन की रेगुलेशन की, ठीक है।